जीवन मौजूदा रंगों का नाम नहीं है। जीवन में हमें रंग भरने पड़ते हैं। वो रंग कैसे भरे जाते हैं? वो हमारी मेहनत से भरने होते हैं, हमारी डेडिकेशन से भरने होते हैं, हमारा जील से भरने होते हैं। इसका नाम है क्रोटन। एक पौधा देखिए, इसके अंदर पिंक कलर भी है, एक लीव के अंदर ग्रीन कलर भी है, ब्राउन भी है और येलो भी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत पौधा है जो हमें जीने की राह दिखाता है, कैसे हमारी ज़िंदगी कलरफुल होती है। तो इसको 2 से 3 घंटे की सुबह का सनलाइट चाहिए होता है। ये एक सेमी शेड पौधा है। अगर आप इसको कमरे के अंदर रखते हैं, रूम के अंदर रखते हैं, तो आप वीक में 2 दिन आप इसको बाहर रखें। पानी की जहाँ तक बात करें कि मिट्टी चेक करके ही देना चाहिए इसको। इसको बहुत ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है। अगर एक पत्ती आपके झुकने लगी है तो उसके बाद आप इसमें पानी ज़रूर डाल दें। नवंबर से ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और एकदम सो जाता है, तो उससे पहले हम इसको खाद वगैरह देकर रखते हैं। अनेक रंग हैं ज़िंदगी के, कुछ फूलों से गुलाबी, कुछ स्याह से काले। तो जीवन मौजूदा रंगों का नाम नहीं है। जीवन में हमें रंग भरने पड़ते हैं। वो रंग कैसे भरे जाते हैं? वो हमारी मेहनत से भरने होते हैं, हमारी डेडिकेशन से भरने होते हैं, हमारा जील से भरने होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल रंगों के ऊपर है और ये रंग बिरंगे पौधे के ऊपर है, जिसके जिंदगी में, जिसके पास सारे ही रंग हैं। एक पौधा और अनेक रंग। अब आप देखिएगा इस पौधे के अंदर, इसका नाम है क्रोटन। एक पौधा देखिए, इसके अंदर पिंक कलर भी है, एक लीव के अंदर ग्रीन कलर भी है, ब्राउन भी है और येलो भी है। ऐसे ही अगर आप देखिए, एक ही पौधा है पर उसकी जो दूसरी पत्ती आ रही है, ये देखिए, इसमें रेड कलर है, इसमें अलग ही तरह की पत्ती है, इसमें ब्लैक कलर भी है और ब्राउन कलर भी है। तो ये इतना खूबसूरत पौधा है, इसके अंदर तो हर रंग है इसके अंदर। तो मेरे पास, मेरे गार्डन में ये 4 पौधे क्रोटन के हैं। तो ये देखिए, ये 2 पौधे नीचे हमारे सेम हैं, 2 वैरायटीज हमारी हैं। एंड ये वैरायटी अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन है, ग्रीन के अंदर येलो, ये डॉटेड लाइंस हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत पौधा है जो हमें जीने की राह दिखाता है, कैसे हमारी ज़िंदगी कलरफुल होती है उसके बारे में बताता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इस रंग बिरंगे पौधे के बारे में कि इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इसकी खाद किस तरह की चाहिए इसको, इसके मिट्टी का प्रपोजिशन कैसा होना चाहिए, इसको सनलाइट कितना ज़रूरी है और इसके लिए पानी की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा क्रोटन कभी नहीं चलता, नर्सरी से लेकर आते हैं तो नहीं चलता है और कई बार लेकर आ चुके हैं। एंड दूसरा, इसका जो क्रोटन की जो लीव्स होती है वो लैगी हो जाती हैं। तो वो लैगी क्यों होती है, तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो अब हम इसके लिए पहला चीज़ बात करते हैं कि इसमें मिट्टी किस तरह का चाहिए होगा पॉट के लिए। तो उस पॉटिंग सॉइल में हमें क्या चाहिए, 50% हम गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोजिट एंड 10% हम लोग इसमें कोकोपीट और 10% हम सैंड इसमें मिलाएंगे। एंड उसके अलावा बोन मील हम लोग डालते हैं, 2 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं और 2 ही चम्मच हम इसमें नीम खली डाल सकते हैं, या उसका चूरन रहता है या नीम खली का चूरन रहेगा तो वो डाल सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह की मिट्टी हमें तैयार करनी चाहिए इसके लिए। और इसमें हम लोग कोकोपीट थोड़ी सी कम रखते हैं, 10% ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए ताकि इसके जड़े गलने का डर रहता है, तो क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। और इस पौधे के लिए जहाँ तक सनलाइट की बात करते हैं, ये इसको बिल्कुल मॉडरेट चाहिए होती है सनलाइट, और जब ज़्यादा सनलाइट होती है तो भी ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर इसको कम सनलाइट होती है तो भी ये मर जाता है। अगर आप इसको कमरे के अंदर रखते हैं, रूम के अंदर रखते हैं, तो आप वीक में 2 दिन आप इसको बाहर रखें। आप हर अल्टरनेट में भी आप इसको बाहर रख सकते हैं एंड अंदर ये बिल्कुल नहीं चलता। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरने लग जाती हैं। पत्तियाँ गिरती हैं जब हमारा पानी का इसका लेवल बहुत बहुत बैलेंस होना चाहिए। पानी इसको हमेशा दे तो बिल्कुल देख कर दे कि बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए इसमें, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है कि एकदम मिट्टी एकदम गला गला सा लगे।
तो उसके दोनों ही केसेस में इसकी पत्तियां गलने लग जाती हैं और गिरने भी लग जाती हैं। इसके अलावा कई बार बोला जाता है कि नर्सरी से लाने के बाद हमारा पौधा मर गया, तो नर्सरी के बाद जब भी आप पौधा लेकर आए नर्सरी से, तो उसको थोड़े दिन के लिए, आप एक वीक के लिए आप अपने गार्डन में साथ में रख लीजिए और उसको बस पानी देते रहिएगा, एंड उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग करें। और इसके अलावा सनलाइट की बात कर लिया हमने, तो अभी हम वाटरिंग की बात करते हैं। पानी की जहाँ तक बात करें कि मिट्टी चेक करके ही देना चाहिए इसको, इसको बहुत ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं है, ये कीचड़ ही हो जाए, और इसको कम पानी भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसको कम पानी होता है तो इसकी पत्तियाँ झुकने लग जाती हैं। तो जब आपको पता रहे कि एक पत्ती अगर झुक रही है, तो इसको फिर अगर सारी पत्ती झुकने लग जाती है तो इसको उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, धीरे धीरे उठता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक पत्ती आपकी झुकने लगी है तो उसके बाद आप इसमें पानी ज़रूर डाल दें, और ड्रेनेज होल इसका ज़रूर चेक करें कि इसका ड्रेनेज इसका प्रॉपर है या नहीं है इसका, क्योंकि मेरा बहुत सारा बड़ा हो रहा है और ये देखिए लटक रहा है, तो मैं इसका प्रूनिंग थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर से करने वाली हूँ। बट अगर आपको कभी भी हार्ड प्रूनिंग करना है तो आप इसका हार्ड प्रूनिंग करेंगे फरवरी मार्च के अंदर, हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करना क्योंकि अभी सितंबर है, तो अभी हम इसको छोटा छोटा, ताकि लटके नहीं, हम इसको छोटा छोटा प्रूनिंग अभी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सा प्रूनिंग कर रहे हैं। तो अगर फरवरी मार्च में अगर आप कहेंगे तो वो उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, फरवरी मार्च के बाद ये काफ़ी सारे ठीक तरीके से बढ़ता है, तब आप इसकी प्रॉपर कर सकते हैं। अभी हम इसको बताते हैं कि प्रॉब्लम आती है एक इसमें, क्योंकि बरसातों के बाद कई बार ऐसा रहता है, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, पर कई बार इसके ये पत्तियों के पीछे ना इसके मिली बग्स आ जाते हैं वाइट वाइट, तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपने नीम की पत्तियों को उबाल कर, नीम की पत्ती को अगर आप उबाल कर उसमें डाल देते हैं, क्या कहते हैं, पानी में आप उबाल कर, और उसके बाद आप उसको 15 मिनट तक उबालें और उसको पानी के अंदर मिक्स करके अगर आप उसको दे देते हैं, पानी दे देते हैं, इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं हर 15 दिन के अंदर, तो आप उसका वो ठीक रहेगा, तो आपका बहुत ही अच्छा पौधा ग्रो करेगा। तो ये मैंने अभी सिर्फ छोटा वाला प्रूनिंग किया है, बाकी हम इसको फरवरी में जैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर होगा तो हम इसको कर देंगे। एंड इसके अलावा आप इसके अंदर अगर मान लीजिएगा ज़्यादा बग्स आ जाती हैं, तो आप जो स्प्रे होता है डिटर्जेंट स्प्रे भी इसके ऊपर कर सकते हैं। 1 लीटर के अंदर आप 1 चम्मच शैम्पू डालकर इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद आप अच्छे से उसको धो दीजिए। और ये चीज़ आपको शाम को ही करना होगा, मॉर्निंग में नहीं करना होगा, इवनिंग में आप करें इसको, तो वो मिली बग्स चले जाएंगे, और अच्छे से आपको पौधे को धोना है। फिर उसके बाद खाद की बात करते हैं कि सितंबर में हमें इसमें और क्या करना चाहिए। तो सितंबर से ये नवंबर से ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और एकदम सो जाता है, तो उससे पहले हम इसको खाद वगैरह देकर रखते हैं। एंड इसके लिए हम पहले जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर देते हैं, तो ये हमने ऊपर की मिट्टी यहाँ से हटा दी है गुड़ाई करने के बाद, और फिर इसके बाद हम ये यहाँ पर ये देखिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, हमारी घर की बनी हुई है वर्मी कंपोस्ट, ये डाल रहे हैं। तो ये हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें अच्छे से डाल दी है, 3 मुट्ठी हमने डाली है, और फिर उसके ऊपर जो हमने मिट्टी निकाली है उसी के ऊपर ही वो मिट्टी डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया है, तो आप इस तरह से खाद दें आप इस महीने में, तो आपको फरवरी तक फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा सर्दी के अंदर। इसको हमने सर्दी के लिए न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं, अभी हमने इसको पूरे अच्छे से खाद दे दी है, एंड अब आपने नवंबर से जनवरी तक बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि उस खाद का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। और किसी भी पौधे को आप नवंबर से, सिर्फ फ्लावर्स वाले पौधे को छोड़कर, आप इसके जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उसको आपने कभी भी नवंबर से जनवरी तक आप बिल्कुल खाद नहीं दी, क्योंकि जो भी पौधे हमारे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आज अब हमने देखा कि हम इसको किस तरह से केयर कर सकते हैं सितंबर मंथ में, और अभी हम इसको फरवरी में एक बार फिर दोबारा से आने वाले हैं
इसके लिए जब हम लोग इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे और वहाँ से हमारा प्रोपगेशन भी हम किस तरह से करते हैं उसके लिए हमारा बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप प्लीज़ खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।